हे गाइस गुड मॉर्निंग। और आज हम हैं मुक्तेश्वर में, जहाँ हमने रात गुजारी थी उस होटल में हम हैं। और यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है, मॉर्निंग का व्यू बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का। आपको मैं दिखाता हूँ व्यू कैसा है यहाँ का। यह है व्यू यहाँ का, चेक करिए आप इस पहाड़ी में चमचमाती धूप। फाइनली गाइस हम मुक्तेश्वर के महादेव के टेंपल में पहुंच चुके हैं। मंदिर है भोलेनाथ का, पूरा मंदिर है महादेव का, बहुत बड़ा मंदिर है मुक्तेश्वर का। अब उसमें हम अंदर एंट्री करते हैं, मंदिर के अंदर का आपको व्यू दिखाता हूं और अंदर क्या क्या चीजें हैं वो चीज दिखाता हूं। साथ में अब अंदर जब जाएंगे तो आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी प्रसादों की, यहाँ आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर के लिए। मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं हम, महादेव का मंदिर, ये मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, ये मुक्तेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर, ये पर्यटक स्थल है वहाँ का, ये मंदिर है। यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी कुछ खाने के लिए, कि जब मंदिर के दर्शन करके आए तो यहाँ आप कुछ खा सकते हैं दर्शन करने के बाद, चाय नाश्ता। यह है जहाँ से हम आए अभी, मेन रास्ता मंदिर का, और इधर को जाना है। अब सीधे खड़ा है ये रास्ता, बिल्कुल सीढ़ी है थोड़ी बहुत इस मंदिर में। साथ में ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है बच्चों का मुक्तेश्वर का। पेंटिंग देखिए कितनी अच्छी कर रखी है दीवारों में, छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए। हेलो, मंदिर में अच्छे अच्छे डिजाइन हैं आप देख सकते हैं, मैंने जो आपको दिखाया अभी। बाहर के सैलानी बहुत आते हैं यहाँ पे इस मंदिर में, क्योंकि मुक्तेश्वर में घूमने के लिए बहुत जगह है। इसके बाद सुसाइड पॉइंट है एक। हमारे साथ पंडित जी आए हैं जो मुक्तेश्वर में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं सोनू पंडित। ये बता रहे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर है इसकी चढ़ाई। झूठ बोल रहे हैं मेरे से, प्रैंक कर रहे हैं मेरे से, वो भी मंदिर में। बस 1 किलोमीटर की चढ़ाई थी ये, और पहुंच चुके हैं मंदिर में। आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ सामने का। ये रहा मंदिर का व्यू, ये इधर का सामने का व्यू। हर हर महादेव, मेन गेट पे पहुंच चुके हैं अब। ये आपको दिखाता हूँ मुख्य गेट महादेव के मंदिर का। ये रहा मुख्य गेट, और सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए। काफ़ी अच्छी साफ सफाई कर रखी है यहाँ के ट्रस्टिंग वालों ने। हर हर महादेव। अंदर एंट्री करते ही आपको मुक्तेश्वर महादेवी शक्तिपीठ सामने को, आप इसके दर्शन करने के बाद सीधे आपके राइट साइड में हनुमान मंदिर है, आप इसके दर्शन करेंगे। इसके बाद हनुमान मंदिर, जय बजरंगबली। इसके बाद
आप राइट में और चलेंगे तो दूसरी तरफ आपको महादेव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। अंदर की तरफ एंट्री करते हुए यहाँ मेन महादेव का मंदिर, भूमि देवता मंदिर, जय हो महादेव का मंदिर। ये मेन ये चारों तरफ का व्यू, चारों तरफ सब देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने मंदिर में दर्शन करे। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो वहाँ पुजारी बैठे थे, उन्होंने मना कर दिया था बंद करो फोन, तो मैंने उसी टाइम काट दिया मैंने वीडियो शॉट। ये मंदिर के चारों तरफ का व्यू है जो मैं घूम रहा हूँ इस टाइम। मंदिर के चारों तरफ का ये बाहर का व्यू, ये रहा भैया जी मंदिर के बाहर का दृश्य। चेक करिए आप कैसा लग रहा है आपको देखने में, कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। ये आप देख रहे हो जाली बना दी थी, ये चोली की जाली है, जगह का नाम है, मतलब सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं इसको। सुसाइड पॉइंट भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज है वो, ये बड़ी सी चट्टान। साथ में ही आपको मुक्तेश्वर महाराज जी का आश्रम देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ जा नहीं रहे हैं। जिस होटल में हम रह रहे थे अब उस होटल को हमने छोड़ दिया है, अब उसमें चेकआउट कर दिया है हमने, अपना लैगेज भी ले लिया है, और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सीधे अपने होटल पे ही आए थे। ठीक है, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं हम। और कभी भी आप इस जगह पे आएँ ये मुक्तेश्वर में, तो ये होटल का है नाम, ये रहा वो होटल नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट, जिस होटल में हम कल से रह रहे थे, और अब हमने ये होटल चेकआउट कर दिया है, और इस होटल को अब यहाँ से जाने के लिए बाय बाय करते हैं।